मुंबई की पाव भाजी तो दुनिया में फेमस है, लेकिन आज हम इसे घर पर बनाएंगे। और इसको बनाते कैसे हैं, इसमें क्या सामान लगता है, आइए देखते हैं। पाव भाजी बनाने के लिए एक बड़ी प्याज हमने बारीक काट कर रखी हुई है, दो टमाटर जिनका पेस्ट बनाया हुआ है, ये 8-10 कलियां लहसुन, हरी मिर्च 3-4 और 1 इंच टुकड़ा अदरक, इसको हमने दरदरा पीस लिया हुआ है। उसके बाद पाव भाजी में आपके पास जो भी अवेलेबल सब्जियां हों वो आप ले सकते हैं। अभी मटर का सीजन नहीं है इसलिए हमने फ्रोजन मटर ली हुई है, ये 1 कप गाजर किसी हुई है, फूल गोभी ये भी हमने किस ली है, और साथ ही शिमला मिर्च ये भी हमने किस ली है। सब्जियों को हमने बारीक हिस्सा है क्योंकि छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, हमें जल्दी पाव भाजी बनानी है इसलिए हमने इसको बारीक किस लिया है। ये है पाव भाजी मसाला और ये 4 उबले आलू जो हमने मैश करके रखे हैं। अब आइए देखते हैं इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करेंगे, उसके बाद ये प्याज को गुलाबी होने तक भून लेंगे। प्याज पक गई है, अब इसमें हम अदरक लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये हमने 2 चम्मच लिया हुआ है, आप जितना तीखा पसंद करें उस हिसाब से आप हरी मिर्च ले सकते हैं। मेरी मिर्च शायद तेज नहीं है ज़्यादा, इसलिए मैं थोड़ा सा लाल मिर्च भी इसमें डालूंगी। दो मिनट हो गए हैं, अदरक लहसुन का कच्चापन भी खत्म हो गया होगा, अब हम इसमें सब्जियां डाल देंगे। ये शिमला मिर्च, सब्जियों को 2 मिनट भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें ये नमक ऐड करेंगे 1 चम्मच और 1/2 चम्मच, और इसको हम ढककर 5 मिनट पकाएंगे, बीच बीच में 1 या 2 बार चला लेंगे जिससे जले नहीं। सब्जियां अच्छे से गल गई हैं, अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डालेंगे। टमाटर भी अच्छे से भुन गया है, अब हम इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च, और
और ये पाव भाजी मसाला, ये 3 चम्मच पाव भाजी मसाला है। इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आलू हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और 2 मिनट भून भी लिया है। अब इसमें हरी मटर डालेंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए भाजी का कलर कितना अच्छा आया है। थोड़ा सा और ऐड करेंगे और ये करीब 3 या 4 मिनट तक पका लेंगे। भाजी एकदम तैयार है। इसमें हम 1 चम्मच बटर मिक्स करेंगे। बटर से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसलिए आप बटर ज़रूर मिक्स करें इसमें। आइए पाव सेक लेते हैं। पाव हमने सेक लिए हैं, ये भी हमने बटर में सेके हैं। आइए अब सर्व करते हैं। लीजिए मुंबईया स्टाइल पाव भाजी बिल्कुल तैयार है। आप इसे घर पर बनाएं और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को भी खिलाएं। अगर मेरा रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।